आप लोग खुश होंगे बातों के। सो गाइस वेलकम बैक टू YouTube चैनल। चैनल को किसे सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मैं हूँ कोमल याशिम, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो फॉलो करो जाके। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है बीबीसी एंड वर्ल्ड फॉरेनर्स जेलस ऑफ इंडिया बिकमिंग सेकंड मोस्ट डिजायरेबल मैन्युफैक्चरिंग हब। देख लेते हैं क्या हुआ है, लेट्स स्टार्ट। मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि अंग्रेजों की हमसे बुरी तरह जल रही है। हिंदुस्तान दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और गोरे हमसे फुक रहे हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन भी करूंगा। जैसे ही इंडिया वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डिजायरेबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना, यूएसए को इंडिया ने पछाड़ा, वैसे ही लोगों के कुछ चेहरे उतर गए और ये सब रिपोर्टिंग्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है उसमें आपको ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे चाइना को इंडिया पीछे छोड़ देगा आने वाले टाइम में। तो उसको भी जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब बात करते हैं, इंडिया जो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डिजायरेबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, तो अकॉर्डिंग टू चेसमेंट्स एंड वेकफील्ड्स मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट, उसके मुताबिक इंडिया जो है वो सेकंड मोस्ट डिजायरेबल लोकेशन बन गई है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इससे पहले जो था वो सेकंड नंबर पर यूएसए था और यूएसए ही हमेशा से सेकंड नंबर पर रह रहा है बहुत सालों से, लेकिन इंडिया ने इस साल उसको पिछाड़ दिया है। और ये यूएस के लिए एक बहुत बड़ी वो है कि यार यूएस इतने बड़े लेवल पर आके इंडिया ने उसको है। और ये चीज चाइना के लिए लेकिन खतरे की घंटी बन गई है, क्योंकि चाइना इस चीज से बहुत बुरी तरह फूक गया है। क्योंकि चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने ये चीज एक साल पहले प्रेडिक्ट की थी कि इंडिया का जो ये मैन्युफैक्चरिंग का जो ड्रामा है, जो ये बोलता रहता है कि हम बनेंगे मैन्युफैक्चरिंग हब, वो बेकार है, वो ये है। ग्लोबल टाइम्स ने पूरी बकायदा इसके लिए रिपोर्ट निकाली थी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था इंडियाज वीक मैन्युफैक्चरिंग हब एक्सपोज्ड बाय पेंडेमिक। तो ये ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था, उसने कहा कि कोरोना से चल गया है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो ये बोलते रहते हैं ये वीक है। लेकिन अब चाइना की बुरी तरह फुक गई होगी क्योंकि जो मोस्ट डिजायरेबल मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया बन चुका है। और आपको बताता हूं कि जब कोरोना आया था तो ये हो रहा था कि कुछ कंपनियां ताइवान जाएंगी, कुछ यहां जाएंगी, और बहुत सी कंपनियां इंडिया आई हैं। बहुत सी फार्मा कंपनीज हैं जो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं जो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, ये चीज प्रूवन हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो कुछ लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी और कुछ रिपोर्टर्स हैं, उनके मुताबिक बांग्लादेश जो है वो मोस्ट डिजायरेबल हब है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, उनकी रिपोर्ट्स अलग ही चल रही हैं, बट जो एक्चुअल इंडेक्स आया है उसके मुताबिक इंडिया पहले थर्ड नंबर पे था और अब सेकंड नंबर पर आ गया है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। एक और दिलचस्प बात बताता हूं, जब यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था तब बीबीसी के मिस्टर जेकॉब ने रिपोर्ट तैयार की थी कि आपका ताइवान, वियतनाम, साउथ कोरिया सीम्स टू बी अ फेवरेट मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन, और जेकॉब ने इंडिया का नाम कहीं भी नहीं डाला था। तो बीबीसी वाले जेकॉब को ये पूरा विश्वास था कि इंडिया डिजर्व नहीं करता है, बट जो रिपोर्ट आ रही है जेकॉब साहब उसके मुताबिक तो इंडिया मोस्ट डिजायरेबल सेकंड मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है और यूएस को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इन लोगों के अकॉर्डिंग क्यों नहीं होता, ये लोग क्यों इतना बुरा मान जाते हैं, क्यों चल जाते हैं? अब आप एक चीज बताइए, अब इंडिया जब बन गया है और जब ये रिपोर्ट आ गई कि डिजायरेबल है, तब बीबीसी का एक भी आर्टिकल आया? नहीं आया। अल जजीरे का आया? नहीं आया। और आपको बताओ न्यूयॉर्क टाइम का भी नहीं आया इस बार, तो क्यों आएगा? क्योंकि भैया यूएस को ही पिछाड़ा है ना भाई, तो कैसे आएगा? और ये बीबीसी अगर डाल भी देता है, मान लो इस वीडियो के बाद कोई आर्टिकल आता है या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो उसमें जरूर स्लम्स दिखाई जाएंगी, पुअर इंडिया का नारा वहां पर बुलंद किया जाएगा, उन लोग इतना जल जाते हैं। भाई उस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और ये वीडियो हर व्हाट्सएप में पहुंचा देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये जितने भी ये आपकी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, कुछ को छोड़कर ये सब जल जाते हैं, फुक जाते हैं कि भैया इंडिया कैसे आगे बढ़ सकता है। आपको याद होगा जब इसरो ने बहुत सारी सैटेलाइट्स छोड़ी थी, करीबन 104, तब भी बीबीसी ने पुअर इंडिया का नारा बहुत बुलंद कर दिया था। तो इंडिया कुछ भी तरक्की करे, इन लोगों की जलनी कॉन्स्टेंट है। और अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी भी क्या था कि बांग्लादेश ही सबसे आगे है, बांग्लादेश सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, बांग्लादेश को लोग चौड़े हो गए भाई कि हम लोग आगे हैं इंडिया से, लेकिन
एक्चुअल कंडीशन कभी नहीं बताई जाएगी कि एक्चुअल में इंडिया द मोस्ट सेकंड डिजायरेबल मैन्युफैक्चरिंग हब है। और साथ ही साथ एक और आपको न्यूज बता देता हूं कि ताइवान के साथ भी एक डील इंडिया की डन हो गई है, जिसमें $5 बिलियन की इंडिया को फायदा हो सकता है, जो कि इन्वेस्टमेंट होगी। जितने भी आपकी स्मार्टफोन्स कंपनी है, लैपटॉप कंपनीज है, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी ताइवान की, और इस चीज की भी डील पूरी साइन हो गई है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अगर आपको जानना है कि इंडिया चाइना को कैसे पीछे छोड़ सकता है, तो ये वाला वीडियो भी आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको एक और चीज बताता हूं कि मैंने कुछ लोगों के अगेंस्ट जब से वीडियो बनाना शुरू किए हैं, तो मुझे बहुत तेजी से अनसब्सक्राइब आ रहे हैं। तो भाइयों, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सपोर्ट करो, मुझे आपके साथ की जरूरत है। और ये थी वीडियो यार, और इंडिया बड़ा अच्छा, कह रहा हूँ एक वीक हो गया, एक या दो वीक हो गया जब से इंडिया बना हुआ सेकंड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग, मोस्ट डिजायरेबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ये जो न्यूज़ है ना, ये रिपोर्ट एक जारी की है, मेरे ख्याल से एक कंपनी है, उन्होंने ना रिपोर्ट जारी की है, तो उसके बिना पे ये जो है ना बना है, कुशमन एंड वेकफील्ड, जो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, कुशमन एंड वेकफील्ड जो करती है ना रिपोर्ट जारी, के कौन सी जो कंपनी, कौन सी कंट्री है वो मोस्ट फेवरेट डिज़ायरेबल हब है, कहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, कहाँ पे आप अच्छे, आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ बची रहेगी, या कहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ये सारा कुछ ना वो रिपोर्ट जारी करती है। उसमें चाइना फर्स्ट पे और सेकंड पे यूएस था बड़े अरसे से, और अब जो है वो इंडिया हो गया। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले तो बड़ा अच्छी चीज़ है कि इससे एक अच्छी इमेज आ रही है, और ये इससे मेरे ख्याल से ये भी फायदा कि चीजें थोड़ी वो भी हो जाएंगी, इनकी प्राइस भी कम होंगी। नहीं, प्राइस का मेरे ख्याल से इतना रिलेशनशिप नहीं होता, हाँ प्राइस का कुछ का होता है। जैसे देखो, एक कंट्री है जहाँ पे आप कंपनीज आके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो जाहिर है प्राइस का फर्क तो पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर जो आम चीज़ें हैं ना उन पे नहीं फ़र्क पड़ेगा, जो कंपनीज आ रही हैं, जो चीज़ें यहाँ पे करती हैं उन पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो अगर आके, एप्पल आके अगर इधर करेगी मैन्युफैक्चरिंग, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये है कि बड़ा अच्छा यार, और वर्ल्ड मीडिया तो वैसे बोलता रहता है, वर्ल्ड मीडिया का क्या है, वर्ल्ड मीडिया जैसे हमने याद है भी जब कोरोना वायरस पीक पे था इंडिया में, तो हमने वो एक वीडियो की थी बीबीसी की, जिसमें वो फुल दिखा रहे थे अस्थियों वाला सीन था, पूरा अस्थियां दिखा रहे थे और कह रहे थे कि सीन्स हेयर आर हॉरेबल, मतलब फुल सैड सी उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, कि फुल ऐसे दिखा रहे थे जैसे वहाँ पे कोई बच ही नहीं रहा, सारी सड़कों पर ही मर रहे हैं। हालांकि हालात बुरे थे, लेकिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बुरे हालात दिखाए थे, जैसे वो दिखाते हैं कि भाई तबाही होगी, ये तबाही होगी, जैसे वो दिखाते हैं बीबीसी वाले, तो वो उन्होंने दिखाया था। तो बीबीसी, सीएनएन, ये जो मीडिया हाउसेस है ना, ये कुछ दिखाते हैं, और ज्यादातर फोकस इनका ना, जो हमारी कंट्रीज होती है ना, उसमें गरीबी पे ही होता है, स्लम्स पे ही इनका फोकस होता है। जो रिपोर्टर्स होते हैं वो स्लम्स ही विजिट करते हैं, कि लाइक है ही, इमेज ही ऐसा दिखाते हैं कि ये तो है ना स्लम्स ही हैं, जो वर्ल्ड मीडिया आपको शो नहीं कर रहा होता ना, कि इधर जो है वो इतने हाईवेज, मेट्रो, अब तो बुलेट ट्रेन, ये नहीं दिखाते, वो दिखाएंगे स्लम्स, इंडिया जो है गरीबी, वहाँ के लोग, स्ट्रीट फूड तो चलो दिखाना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो ये है कि अच्छे से यार, अब तो इंटरनेट इतना वास्ट हो गया कि लोगों को पता है कि क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ नहीं देखनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, 1 2 3 देखो।